गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर जो है आज एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है दोस्तों, जो कि आता है किसके अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो जो है वो CDP के दे चुका हूँ और आज जो है मैं आपके बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ NCF 2005, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिससे कि आपके सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, उस सब में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहे वो आपका CTET का हो, UPTET का हो, उत्तराखंड टेट हो या कोई भी टेट हो या अन्य जो उसके बाद टीचिंग एग्जाम्स KVS MBS वगैरह के होते हैं, इन सभी में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरी क्लास को इसीलिए बड़ी ध्यान से देखना और अच्छे से समझना और हम इसमें आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे KVS MBS DSSB CTET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके आपको लेक्चर, वीडियो लेक्चर चैनल पर उपलब्ध हैं, स्टडी पोर्टल चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको जाके देखिए और उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी कि किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, कितना प्राइस होगा, सारा इसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो ये समझिए कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम या पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो सबसे पहले हमें समझना कि पाठ्यचर्या क्या होती है, करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम का मतलब होता है कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है तो स्कूल के अंदर जो उसका पूरा का पूरा जीवन होता है, जिसमें कि सारी सारी एक्टिविटीज पढ़ाई से लेकर उसका जो मतलब है ये कह सकते हैं कि शैक्षिक और सह गैर सह शैक्षिक, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारे के सारे जो है वो किसके अंदर, करिकुलम का पार्ट होती है। ठीक है ना, तो उसी करिकुलम को जो है वो टाइम टू टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज भी किया जाता है ना। तो उसी क्रम में जो है वो आया NCF 2005। ठीक है ना, अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, अब उसको लॉन्च तो हो गई है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो उससे पहले हो सकता है कि कुछ आने वाले महीनों में या हो सकता है अगले साल तक क्या हो जाए, नया NCF आ जाए जो 2021 होगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो उससे बनेंगे, हालांकि इससे भी बन सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमें यही पढ़ना होगा क्योंकि अभी नया NCF तो आया नहीं है। ठीक है ना, तो जो NCF 2005 है ये जो है तैयार किया गया था कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है ना, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इसका नाम बदल के। ठीक है, तो MHRD जो है वो उसने इसको करवाया है किसके द्वारा, NCERT। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये भी एक केंद्रीय संस्था है, तो इन्होंने जो है उसको NCF को तैयार किया है। तो NCF जो है वो तैयार हुआ है किसके अंदर में, एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी के जो हेड थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसके अंडर में NCF 2005 तैयार हुआ, एक कमेटी बनी थी जिसके की हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, तो उनके अंडर में जो है ये तैयार किया गया था। और इसकी जो थीम है, मुख्य थीम वो जो है इंस्पायर्ड है किससे, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक निबंध लिखा था उसका नाम है सभ्यता और प्रगति, कल्चर एंड प्रोग्रेस। तो ये जो एक
इन्होंने निबंध लिखा था, ऐसे लिखा था, इस ऐसे से इंस्पायर्ड है कौन सा, एनसीएफ 2005, ठीक है, जिसमें सभ्यता और प्रगति जो निबंध है उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा है या बचपन है वो क्या होता है, वो होना चाहिए किस प्रकार से, सृजनात्मकता से भरा हुआ या क्रिएटिविटी, जो बचपन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इतने ज्यादा मौके जो है बच्चों को मिलने चाहिए कि वो क्या हो, क्रिएटिविटी से भरा हो, ठीक है, क्रिएटिव हो बच्चा, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। तो उसी निबंध को आधार बना के जो है उसको एनसीएफ को बनाया गया, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप समझ गए कि ये जो है वो प्रोफेसर यशपाल के अंडर बना और ये जो है इसके इस प्रकार से ये इसकी थीम। अब जो इसकी थीम है, थीम इंस्पायर्ड तो इससे है लेकिन थीम है क्या, तो थीम इसकी थी इसकी जो थीम है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, समझ गए, यानी कि जो है बच्चा जो है वो क्या करे, नेचुरल रूप से सीखे, बच्चे के ऊपर शिक्षा क्या ना हो, कोई बोझ ना हो, ठीक है ना। तो ये इसकी एक थीम रखी गई थी, इसी को इसी के अकॉर्डिंग जो है, थीम का मतलब होता है कि सेंट्रल जो है वो क्या कहना चाह रहा है, जो आपने एक जो ये दस्तावेज बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया है पूरा का पूरा, इस ड्राफ्ट के अंदर क्या चीजें बोली गई हैं, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है शिक्षा बिना बोझ, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत थे तो वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो इस जो एनसीएफ 2005 है इसके पांच मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, सिद्धांत, ठीक है, जिसमें पहला है जो है वो शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना, समझ रहे, यानी कि जो एजुकेशन है वो ये न रहेगी केवल स्कूल तक सीमित, बल्कि जो स्कूल का ज्ञान है वो क्या हो, बाहर के जो आम हमारे जो जिंदगी है उसमें कैसे उसके यूज फुल है, वो कैसे बच्चा जो है वो उसका इस्तेमाल अपनी आम जिंदगी में कर सकता है, उसको कनेक्ट करना, समझ गए हो, जो एजुकेशन है उसको आम जीवन से या बाहरी जो जीवन है स्कूल के बाहर का उससे कनेक्ट करना है, ये उद्देश्य उद्देश्य है मार्गदर्शक सिद्धांत। दूसरा इसमें बोला गया है पढ़ाई जो है को रटंत प्रणाली से मुक्त, ठीक है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने का मतलब है कि जो बच्चा, अगर बच्चे को केवल ज्ञान जो है वो मेमोरी लेवल पर नहीं देना है, उसको केवल ये है कि बता दिया बस हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, यानी कि बच्चा समझ सके, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए और उसका समझ ये भी समझ पाए कि यार दैनिक जीवन में इसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ इसका इस्तेमाल है, क्या यूज है, ठीक है ना, तो वो है मुख्य फोकस। तीसरा जो है इसमें बोला गया है ऐसे नागरिक तैयार करना जो राष्ट्र के प्रति आस्थावान हो, समझ रहे, यानी कि ऐसे जो सिटीजन्स हमने तैयार करने हैं जो हमारी राष्ट्रीय वैल्यूज हैं, नेशनल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यू है डेमोक्रेसी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो स्टूडेंट जो है वो जब स्कूल पास करके जाएगा तो वो एक क्या बनेगा, एक सिटीजन है वो, और आने वाला भविष्य है जो देश का भविष्य है वो,
तो उसके अंदर हमारे देश की जो व्यवस्था है, ये डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है, प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए जो है वो क्या होना चाहिए, एक उसके अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, उसको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, तभी तो वो जो है अच्छा नागरिक बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी जो है उनकी सभी जितनी भी किताबें होती हैं उसके जो फ्रंट पेज पर जो है हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता है। उसको देने का क्या मतलब है, उसको देने का मतलब ही यही है कि जो है बच्चा उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझ पाए, उसको पता हो कि हमारा जो देश है उसमें हमारी जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, स्वतंत्रता समानता की और आपके धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये उसे पता होनी चाहिए, वो इन चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। ये है उसके बाद परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए, समझ गए, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए, जिसका मतलब होता है कि जो परीक्षाएं हैं वो बच्चे के ऊपर एक बोझ की तरह ना हो, बल्कि वो क्या हो, उस बच्चे का असेसमेंट का तरीका हो। यानी कि जैसे अभी तो क्या होता है, साल में बस पहले एक ही बार पेपर हो रहे हैं, उसी में जो है बच्चे को सब कुछ करना है। तो लचीले का मतलब होता है, जैसे अब नई पॉलिसी में बात की गई कि भाई साल में दो बार पेपर हो, अगर बच्चा एक बार फेल हो रहा है तो उसको दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है ताकि वो अपने आप में सुधार कर सके। इससे क्या होगा, बच्चा एग्जाम के प्रति उसके अंदर भय नहीं होगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, कोई जो इस प्रकार से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, ये सारे के सारे जो है चीज़ें उससे हटानी है, यानी बच्चा उसको बोझ की तरह ना ले, कुल मिला के बात, ठीक है ना। और पांचवा सिद्धांत है कि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है कि आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो करिकुलम है पूरा का पूरा वो उसका फोकस और केवल किस पर है, आपके पाठ्य पुस्तक यानी जो आपकी किताबें हैं, बस टीचर को यहाँ तक मतलब है कि भाई जाना है, सिलेबस निपटाना है, बात खत्म। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो करिकुलम है उसका उसके अंदर जो है वो पूरी की पूरी ओवरऑल चीज़ें जो है वो देखी जानी चाहिए, समझ रहे हो। पूरा स्कूल का एक जीवन होता है वो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, तो करिकुलम को भी एक्सपेंड करने की बात एक तरह से कही गई, ठीक है। तो ये है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है वो जो महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एनसीएफ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स उसमें बोले गए हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला इसमें जो बोला गया है वो तो यही है कि हमें क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, ठीक है। और बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब है कि बच्चा जो है वो केंद्र हो, बच्चे का जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है कि बच्चा क्लास में एक्टिव हो, बच्चे को किस प्रकार से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें, बच्चे क्लास में जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, और तब जाके हम जो है वो पढ़ाई को अपनी जो लर्निंग टीचिंग की स्टाइल है इन सब चीज़ों में चेंज लाएं। अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो हम इंडिविजुअली उस बच्चे की प्रॉब्लम को देखें और उसको सॉल्व करें। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है ना। तो यही बात जो है वो एनसीएफ में बोली गई कि बच्चे जो हमें पाठ्यचर्या या करिकुलम है उसको इस प्रकार से सेट करना है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटी उसको मिले, वो कि एक्टिव रहे, है ना। तो ये है। उसके बाद इसमें जो और मुख्य बात बोली गई है वो है कि विद्यार्थी जो है वो अपना चहुमुखी विकास कर सके, इस प्रकार से जो है उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब कि करिकुलम को इस प्रकार से बनाया जाए कि उसका
ना केवल उसका शारीरिक विकास, पढ़ाई का जो विकास है वो हो, बल्कि उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका आपका संवेगात्मक विकास हो, सारे प्रकार के डेवलपमेंट उसके अंदर हो, बच्चे के अंदर ओवरऑल वो है जो ऑलराउंडर बने। तो ये सारी चीजें जो है वो सिलेबस को चेंज करने पर ही हो सकती है, ठीक है। और कुल मिला के जो है वो ये है कि हमें क्या करना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो होनी चाहिए सभी प्रकार की, सभी प्रकार की के शोषणों, ठीक है, से मुक्त करने वाली, ठीक है, जिसमें आपका आता है लिंग भेद, ठीक है, गरीबी हटाने वाली होनी चाहिए, अनुसूचित जाति, यानी कि कुल मिला के जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसको एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि वो जितना भी शोषण हो रहा है अभी तक उस सबसे वो उनको मुक्ति दिला पाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, एजुकेशन इस प्रकार से हो, यानी वो बच्चे को इतना सशक्त बना दे कि वो क्या हो, अपने आप में ही एक तरह से इतना सक्षम बन जाए कि कोई भी उसका शोषण ना कर पाए, और साथ के साथ बच्चों के अंदर इस प्रकार की समझ विकसित हो कि वो इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो, कि लिंग, जैसे लैंगिक भेदभाव, जो जेंडर के आधार पर जेंडर जस्टिस जिसको हम कहते हैं, कि हमें क्या करना है, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, उस ये हो गया, जैसे कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, ये सब चीज़ें, और भी जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार होता है, तो ये सारे मुद्दे होते हैं जो क्या होते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकार को प्रभावित करते हैं, तो इन मुद्दों के प्रति जो है वो बालक को संवेदनशील या सेंसिटिव बनाना भी एनसीए का उद्देश्य, ठीक है। तो ये है, अब इसमें इन्होंने इसके 5 भाग बनाए हैं, इसके एनसीए के 5 तो इसके मार्गदर्शक प्रिंसिपल हैं और 5 ही इसके इन्होंने भाग भी बनाए हैं, ठीक है ना। भाग का मतलब इसके जो पार्ट्स या अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं इन्होंने, 5 चैप्टर इसमें इस ड्राफ्ट के अंदर, और उन 5 चैप्टरों का मुख्य थीम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है इसमें वो है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है, ये एक तरह से ये आप परिचय बोल सकते हैं या आप इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सबसे पहले बताया है कि हमें जो है, जो हमारी थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, जो करिकुलम है उसका बोझ कम करना है, कम करना है। बच्चा जो है वो इतना छोटा बच्चा एक, और उसको 15-15 किताबें दे रही हैं, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का जो है वो उस पर इतना ज्यादा बोझ बढ़ गया है कि वो कह रहे हैं ना, आजकल जैसे एक बात है कि बच्चे का जो बचपन है वो इतने बड़े बैग के तले दब गए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात बोली गई कि उसमें तो ये भी बता दिया गया कि जो बच्चा है उसके बैग का वजन भाई इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसके शारीरिक विकास को अफेक्ट करता है, दूसरा इतने सारी चीजें अगर उसको पढ़ने को दे दी जाएंगी तो वो बाकी चीजें कब करेगा, उसका बचपन उससे छिन जाएगा। तो इसीलिए जो है वो एनसीएफ में भी ये बात बोली है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बात लागू करने की बात हो गई है कि हमें क्या करना है, बच्चे का सिलेबस कम करना है, उसको आलतू फालतू किताबें कुछ नहीं देनी, बस एनसीईआरटी जो प्रेफर करती है वही किताबें उसको देंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी जो है वो चूंकि विशेषज्ञों की निगरानी में बनाई जाती है, तो वहां पर जो है हर प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, तो उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये है आपका कि सिलेबस को कम करना। दूसरा जो है इसमें बोला गया है, ठीक है, दूसरा इसमें बोला गया है कि बच्चे जो है वो इस प्रकार से तैयार हों जो उनके अंदर जो है हमने मानवीय आदर्शों का विकास कर लिया,
मानवीय आदर्शों लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना है, समझ रहे? यानी कि ह्यूमैनिटी आए जो है, एजुकेशन का मतलब केवल और केवल स्कूल पास करना ना हो, बल्कि उसको इस प्रकार से करिकुलम बनाया जाए कि बच्चा वो ज्यादा ह्यूमैनिटी जो है वो उसके अंदर आ जाए, वो ज्यादा सेंसिटिव हो समाज के जो मुद्दे हैं उनके प्रति, समझ रहे? जो लैंगिक मुद्दे हैं, जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, जो गरीबी अनुसूचित जाति जनजाति इन सब मामलों से जुड़े हुए विषयों पर वो सेंसिटिव हो। यानी कि हमारी एजुकेशन का क्या मतलब होना चाहिए, अगर आपकी जो एजुकेशन है वो आपको एरोगेंट बनाती है, आपके अंदर ये एटीट्यूड आ चुका है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों इससे बात करूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एजुकेशन अब सफल नहीं रही है, असफल हो गई। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही वही है कि इंसान जो है वो क्या बने, ज़्यादा इंसान बन जाए, वो पोलाइट बने, उसके अंदर ह्यूमैनिटी आए, किसी दूसरे को देख के वो ज़्यादा ह्यूमैन एक तरह से उसके अंदर वो भाव आए कि मैं इसकी मदद करूँ, वो हेल्पफुल बने, वो किस प्रकार से दूसरे जो है वो, अगर कोई गरीब आदमी दिखता है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति, कोई विकलांग डिसेबल्ड पर्सन दिखता है, उनके प्रति जो है उसके जो नज़रिया है वो बदले कुल मिला के, है ना। अभी हम क्या है, हमारे सामने कोई ऐसा आदमी आता है, कोई भी गरीब आदमी दिखता है तो हम उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, लेकिन हमें क्या हमें इस प्रकार से करने का कोई अधिकार है? हमें नहीं है, क्योंकि हमें वो उसकी किस्मत है, वो उस ऐसी जगह पैदा हुआ, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्या हमारी एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती है कि हम क्या हों, उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। आप कुछ मत कीजिए, आप नफरत मत कीजिए, ठीक है ना, आप सेंसिटिव कीजिए जहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं, जितने आप ह्यूमन बन सकते हैं, मोर ह्यूमन ह्यूमैनिटी आपके अंदर आएगी, तो वही एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए, यही NCERT भी बोलता है, ठीक है। और साथ के साथ जो हमारे लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, जिसमें की बात की गई है, किसकी, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक, कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारे। हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या कहती है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष, हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, सभी की अपने अपने कस्टम को फॉलो करने की इजाज़त है। संस्कृतियों का क्या है, हमारी जो है वो बहुलवादी संस्कृति है, यानी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी को है वो समझना है। और समानता की भावना, आप जो अपने से शुरुआत कीजिए, अगर टीचर जो है वो इस या करिकुलम के अंदर भी इस प्रकार की बातें अगर होती हैं जिसमें कि साफ तौर पर एक लड़की और लड़के को के बीच में भेदभाव किया जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो गलत होगी, चाहे वो आप एग्जाम्पल हो या किसी भी चीज़ में हो। हम किसी भी चीज़ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ काम करेंगी, यहाँ पर लड़के करेंगी, इस एक्टिविटी को लड़का करेगा, इसको लड़की करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यही NCERT का उद्देश्य बताया गया है। तो इसमें तो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें यही चीज़ें बोली गई हैं कि वो बच्चे इन मुद्दों के प्रति क्या बन जाए, ज़्यादा सेंसिटिव बन जाए एक तरह से, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका क्या, उसमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सीखना और ज्ञान, सीखना और ज्ञान। तो सीखना और ज्ञान के अंदर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, यानी कि खुद करके वो जो चीजें सीखें। तो इसका मतलब क्या हुआ, करिकुलम को इस प्रकार से ओरिएंटेड किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है हम बच्चे को एक्टिव रख सकें, ठीक है, और उसकी जो है वो सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, सक्रिय भागीदारी, एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा जो है वो खुद से जो है कितने ज्यादा उसको क्रियाकलाप करने को, एक्टिविटीज करने को मिले, वो सब इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, जो NCERT है उसके अंदर ये बात बोली है, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो बोला गया है कि बच्चे को स्कूल में जो है वो होना चाहिए, आपका खेल होने चाहिए, जो अन्य गतिविधियां जैसे आपके
जो है वो व्यायाम होना चाहिए, योग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो और भी जितने भी एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के अंदर कराई जानी चाहिए, ताकि जो है प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने का या अपने आप को निखारने का पूरा पूरा मौका मिले, ठीक है ना। बच्चे के अंदर कोई भी अगर टैलेंट है तो उसको अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए पूरे के पूरे जो अवसर वो स्कूल के अंदर अवेलेबल होने चाहिए या उसको मिलने चाहिए, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव, ठीक है ना। तो ये है हमारा। उसके अलावा इसमें जो है वो टीचर के बारे में बोली गई है कि टीचर जो है यहाँ पर जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह है, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रही तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से टीचर भी है। टीचर क्या करता है, बच्चे के बच्चा जो है वो खुद से भी ज्ञान लेता है, लेकिन उसके ज्ञान अर्जन को जो है वो अंदर से अभिप्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। टीचर का काम है कि इंटरनली या इस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करना कि वो क्या करे, स्वयं से जो है वो चीज़ों को सीखने के प्रति प्रेरित हो। वो उसे कोई ज़रूरत ना पड़े कि मैं किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो इस रटने पर विश्वास ना करे, वो क्या करे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करे कि मुझे ये चीज़ समझनी है, इसको इसके अंदर क्या चीज़ है ये मुझे समझनी है। तो ये कब होगा, जब बच्चा जो है वो अंदर से मोटिवेट होगा। अगर बच्चे को मार मार के जो है वो पढ़ाया जाए तो क्या बच्चा कभी पढ़ सकता है, कभी भी नहीं पढ़ सकता। कब पढ़ेगा या कब सीखेगा, जब वो खुद से मोटिवेट हो, अंदर से खुद से वो एक्टिव हो, खुद से वो करना चाहता हो, है ना, उसकी इच्छा है, उसकी जिज्ञासा है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो करने का काम बच्चे के अंदर वो किसका है, टीचर का। इसलिए टीचर को कैटलिस्ट की तरह इसमें बोला गया, ठीक है। तो ये, और साथ के साथ इसमें ये भी बोला गया है कि एक टीचर जो है आज के समय में जो है वो एक समावेशी कक्षा को पढ़ाने लायक होना चाहिए। समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया था कि अगर सभी प्रकार के बच्चे क्लास में, कोई बच्चा जो है वो सुपर टैलेंटेड होते हैं, कुछ डम होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं, किसी को बोलने में दिक्कत है, अगर कुछ किसी को कोई दिक्कत है, देखने में कोई दिक्कत है, किसी के अंदर कोई वैसे प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, ऐसे तमाम तरह के जो बच्चे हैं वो एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या हो, वो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करे, अपनी पाठ योजना को उसी तरीके से तैयार करे, और उसमें आवश्यक परिवर्तन अगर करना पड़े तो उसको भी करने के लिए वो तैयार है ना। यानी वो किसी इंडिविजुअल बच्चे पर अगर कुछ इंडिविजुअल तरीके से काम करना है तो उसको भी वो कर सके, उसके लिए टीचर मतलब टीचर के अंदर वो क्षमता और कैपेसिटी होनी चाहिए, वो टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो ये है सेकंड चैप्टर। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है इसमें, वो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्थाएं, स्कूल व्यवस्थाएं, ठीक है, और आकलन। तो इसमें भाई सबसे पहले जो ये पाठ्यचर्या के क्षेत्र हैं, इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली है कि बहुभाषिता एक संसाधन है। अब इसका क्या मतलब जो है वो, क्लास में अगर एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो क्या वो टीचर के लिए एक अवरोध है या उसके लिए एक संसाधन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो हमें हमेशा कौन सा ऑप्शन टिक करना है कि जो बहुभाषिता है वो एक संसाधन है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग संसाधन, और जिसको उन्होंने बोला है कि ये राष्ट्रीय संसाधन के बराबर है, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल एसेट है ये हमारे, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतनी ज्यादा भाषाएं, इतनी ज्यादा बोलियां हैं, और ये हमारा एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन है, ये हमारी एक पूंजी है। अब ये पूंजी कैसे,
क्लास में अगर बच्चा जो है वो एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं या कुछ रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, तो क्या टीचर के लिए वो अवरोध है? जी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो जब एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले हैं तो बच्चे आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करने में उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को भी शेयर करेंगे, एक दूसरे के नए नए चीजों को जो उसके कल्चर में होगी वो दूसरे को बताएगा, दूसरे के इसमें, इस प्रकार से जो है वो उनके बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज जो है वो होता है या होगा, है ना। और ये जो कल्चरल एक्सचेंज जो है उनके बीच में होगा, इससे जो है वो नए नए प्रकार के ज्ञान का निर्माण होगा। तो एक तरह से ये पॉजिटिव चीज है, यानी उसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव तरीके से, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कहा गया है बहुभाषिता, एक संसाधन है, राष्ट्रीय एसेट है, नेशनल एसेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पहली बात हो रही है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक उनके लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी है ना। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जिनकी भाषाएं ऐसी हैं कि जो बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो वहां पर जो है वो उनको अपनी लैंग्वेज को बचाने का भी मौका मिलना चाहिए, और वो बच्चे उसी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो उनको ये किया जा सकता है कि भाई जो प्राथमिक 4-5 तक उनको उसी रीजनल लैंग्वेज में जो है सिलेबस को या करिकुलम को पढ़ाए। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है अब वो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ा लें, चाहे आप हिंदी में पढ़ा लें, या हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप 5वीं तक का जो है सिलेबस पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन कर सकते हैं, ये राज्यों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये एक तरह से छूट दे दी है। तो ये सारी जो है इसी सोच के अंदर है कि जो बच्चा है वो एक तो अपनी मातृभाषा में ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से सीखेगा, दूसरा उसके अंदर जो है वो अपने मातृभाषा के प्रति या अपनी रीजनल लैंग्वेज के प्रति एक सम्मान की भावना होगी, वो उसको समझेगा और उस भाषा को एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगी अगर उसको नहीं उसको सहेज के रखेंगे, तो वो लुप्त हो सकती है, तो उसको बचाया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये है हमारा तीसरा। इसमें जो है वो बोला गया है गणित शिक्षण, गणित का जो शिक्षण है वो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे को तार्किक चिंतन, तार्किक व अमूर्त चिंतन, यानी कि जो आपका मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, उसका उद्देश्य जो है वो बच्चे के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग जिसको कहते हैं, वो डेवलप करना है। उसके अंदर जब उस प्रकार की थिंकिंग डेवलप होगी तब वो क्या कर सकता है, अमूर्त चिंतन जो है विकसित कर देगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जो समस्याएं हैं वो अमूर्त होती है, हमारे सामने नहीं होते, लेकिन उनको इमेजिन करना पड़ता है कि इस प्रकार से जो है वो ट्रेन आ रही है, इस प्रकार से वो इतनी स्पीड से जा रही है, ये सारी चीजें जो है वो अमूर्त है। तो जो अमूर्त चिंतन है वो उसका विकास होगा, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो जो उसके सामने परिस्थितियां आ रही हैं उनके बारे में लॉजिकली सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई रिवाज है, कोई इंसान है जिसको वो फॉलो करते हैं, कोई साथी है जिसकी बात को वो मानते हैं, तो उसके पीछे के वो लॉजिक को समझे, उसको लॉजिकली उस चीज को समझे, ऐसा नहीं कि अंध तरीके से किसी को फॉलो करना, ठीक है ना। तो ये है लॉजिकल थिंकिंग, ये वो कह रहे हैं कि हमें मैथ्स जो टीचिंग है उसका उद्देश्य यही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विज्ञान के बारे में बोला, विज्ञान या साइंस एक गत्यात्मक व निरंतर परिवर्तनशील, समझ रहे हो, इसका मतलब होगा, गत्यात्मक का मतलब होता है डायनामिक, जो साइंस है वो एक क्योंकि डायनामिक सब्जेक्ट है और निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि जब नई नई खोजें नए एक्सपेरिमेंट लगातार होते रहते हैं तो उससे विज्ञान के अंदर जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं, पुरानी चीजें उसमें सुधार होता रहता है,
तो उसके कारण जो है वो जो विज्ञान है वो एक विशाल ज्ञान का भंडार है, क्योंकि वो निरंतर प्रवर्तनशील है और वो एक क्या है, विशाल ज्ञान का भंडार है। तो इसीलिए जो है वो विज्ञान शिक्षण वो अति महत्वपूर्ण है किसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है, और उसको करिकुलम का इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया है। और विज्ञान शिक्षण के अंदर इन्होंने बोला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे को जब प्राइमरी से ऊपर के लेवल पर आप बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करानी है एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चा एक्टिविटीज़ करे, एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि केवल जो है देखने से और पढ़ लेने से जो है चीज़ें समझ तो आएगी, हो सकता है समझ आप कर भी लें, लेकिन जो चीज़ स्वयं करने के बाद आएगी वो चीज़ वैसा नहीं आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री के अंदर जो है हमेशा से पढ़ते हैं कि भाई जो अम्ल है या एसिड है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो ये हमें याद है, लेकिन हमें कन्फ्यूज हो जाएगा कि अम्ल क्षार कौन नीला करता है कौन लाल करता है। लेकिन यही अगर हम पे खुद एक बोतल में है अम्ल दे दिया जाए और एक में क्षार दे दिया जाए और हमको लिटमस पेपर दे दिया जाए, उसके बाद हम स्वयं जो है उसको देख के डुबा के और चेक कर रहे हैं और हमें पता चल जाए कि ये देखो लाल हो रहा है या नीला हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमेशा के लिए वो समझ में आ जाएगी और याद भी रहेगी। तो इसीलिए जो है वो, क्योंकि साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऐसे नहीं समझा जाता, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। हमारे यहाँ तो अभी यही स्थिति है कि जो प्रैक्टिकल है वो भी केवल फाइल बना के निपटा देते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे क्या हो रहा है कि जो टीचर ने बोला फाइल बना के ना फाइल बन गई, हो गया प्रैक्टिकल, क्या है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को वास्तव में एक्सपेरिमेंट करने के लिए पर्याप्त जो उसके अंदर सामग्री होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए और उसको पूरे मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो चीज़ों को जमीनी स्तर पर समझ पाए, ठीक है। तो ये इन्होंने विज्ञान शिक्षण के बारे में बोला। उसके बाद इसमें जो है वो सामाजिक विज्ञान या जिसको हम SST कहते हैं, सोशल साइंस, तो जो सोशल साइंस है उसका उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। इसका मतलब होगा कि हम जो है वो बच्चे को इस प्रकार से जो है एजुकेशन दें, इस प्रकार से जो है उसका करिकुलम बनाएं कि वो समाज के जो मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो लैंगिक मुद्दे, महिला सुरक्षा, ठीक है, उसके अलावा जो है वो गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, जो कुपोषण हो गया, और आपके जो भी ज्वलंत मुद्दे जो हैं समाज में, कुप्रथाएँ हो गई, ये हो गया, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, हाँ मतलब ये कुल मिला के आप समझ जाओ कि जो जितने भी सामाजिक ज्वलंत मुद्दे हैं, हाँ इन्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो इन्वायरमेंटल मुद्दे हैं क्योंकि भूगोल के अंदर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो SST का उद्देश्य होना चाहिए इन सभी मुद्दों को बालक जो है वो इस प्रकार से समझे या स्टूडेंट इस प्रकार से समझे कि वो इन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो, समझ गए, केवल ये नहीं कि उसको एग्जाम पास करना था इसलिए उसने ये पढ़ लिया, बल्कि वो इन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो, उनको समझने की उनको समझे भी, उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उसके अंदर जो है वो कैसा एक आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो, आलोचनात्मक चिंतन या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कि क्रिटिसिज्म इस प्रकार से उसके अंदर हो कि वो किसी भी बात को जो है वो क्रिटिसाइज तो करे लेकिन साथ के साथ उसको उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी दिखाए कि हमें ऐसा नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है, या उसका अपना खुद का एक नजरिया विकसित हो किसी चीज को देखने के प्रति, है ना, यानी कि जो समाज में कोई चलित प्रचलित अगर कोई चीज है तो उसके प्रति अगर उसे लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है तो उसके प्रति उसका खुद का एक दृष्टिकोण बने, खुद का एक व्यू बने और उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक है, तो ये उसके अंदर सेंसिटिविटी आ जाएगी कि वो क्या करे, समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करे, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, वो अंदर उससे किसी भी प्रकार का इंसान बन सकता है जब उसको इस प्रकार के मुद्दों की समझ विकसित उसके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सोशल साइंस SST के बारे में उन्होंने बोला। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर
स्कूलों के अंदर जो है वो स्वच्छता व स्वास्थ्य जो है उस पर विशेष ध्यान देने की बात बोली है, ठीक है ना। स्वच्छता और स्वास्थ्य कुछ आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में, ठीक है। तो स्कूलों के अंदर जो है जो व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट्स वगैरह बनाना, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। उसके अलावा इसमें जो है बात बोली गई है शांति के लिए शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यानी कि एक तो पीस एजुकेशन, शांति के लिए शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, इसको जो है वो बच्चे का सिलेबस में शामिल करके करना जरूरी है, ताकि हम ऐसे बच्चों पर, ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सकें, हम ऐसे आइडियल जो सिटीजन्स हैं उनको बना सकें, जो कि क्या हो, अपने जो उनके अंदर जो हाई मॉरलिटी हो उनके अंदर, और उनके अंदर साथ के साथ शांति के लिए शिक्षा, यानी कि वो शांति को चाहने वाले हों, ठीक है ना, पीस को चाहने वाले, समझ लो। अगर जैसे कि उसमें बेंडुरा का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो बच्चे जो है, जो जो बच्चा जो है वो फिल्म के अंदर उस बोबो डॉल को जो है वो पीट रहा था, तो उसको देखकर जो बच्चे हैं वो उस फिल्म को देखकर वैसा ही अग्रेसिव हो गए, जबकि जो दूसरे बच्चे जिन्होंने वैसा उसको पीटते हुए नहीं देखा या उसको अप्रिशिएट नहीं हुआ, तो वो उनके अंदर वो गुण नहीं आए। यानी कि हम कुल मिला के बच्चों को किस प्रकार से एग्रेसिव बना सकते हैं, या उनके अंदर इस प्रकार की उन भावनाएं विकसित कर सकते हैं कि वो सुलह करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, इस प्रकार के उनके अंदर एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। तो ये है शांति के लिए शिक्षा, कि बच्चा क्या करे, पीस की तरफ जो है वो ध्यान दे, कैसे शांति स्थापित हो सकती है इसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से वो दूर रहे, क्योंकि एक सभ्य समाज में इस तरह की चीज़ें जो है वो स्वीकार्य नहीं होती है ना। आज भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास चोरी, डकैती, लूट, रेप, पता नहीं क्या क्या इतने सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो समाज पे एक धब्बा है, और सभ्य जो समाज है कोई भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसमें चेंज लाना है, और चेंज कौन लाएगा, जो स्टूडेंट्स है, जो कल का भविष्य है, वही तो चेंज लाएंगे, और कौन लाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उनको उस प्रकार के एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ये चीज़ उनके अंदर हाई मॉरल वैल्यू जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। फिर उन्होंने आकलन में जो है वो एक चीज बोली है इसमें, कि आकलन या असेसमेंट, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर सुधार लाना होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर किसी बच्चे का कोई असेसमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को एक तरह से उसका पूरा सूली पे उसको लटका रहे हैं कि बस पास नहीं हुआ तो बस जिंदगी खत्म, ये सब चीज़ें पुरानी बातें हैं। आज के समय में असेसमेंट का मतलब है कि हम उसकी केवल और केवल उसके अंदर ये देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर इसमें कमी है, और इसके अंदर क्या सुधारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो वो आपके आकलन का नया तरीका है, आकलन का मतलब है सुधारात्मक प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये है हमारा, इसमें कुछ बातें बोली गई। फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। तो इसके अंदर जो है उन्होंने जो है स्टूडेंट टीचर का जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो 30:1 है, यानी कि एक बच्चा जो है वो एक टीचर वो उस पर 30 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जब इससे ज़्यादा अगर होगा तो बच्चा जो टीचर है वो इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकता है, प्रत्येक बच्चे का देख नहीं सकता, उसको ध्यान नहीं दे सकता है, तो कैसे मतलब वो मैनेज करेगा। तो इसीलिए जो है आदर्श रूप से जो है वो माना जाता है कि भाई 30 बच्चे जो है वो एक टीचर अच्छे से संभाल सकता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो NCF में बात बोली गई, हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे 2020 की जो पॉलिसी उसमें भी यही बात बोली है कि 30:1 होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, इतने ज़्यादा टीचरों की भर्ती होगी, यानी कि अब होनी तो है ही है ना आने वाले टाइम में, लेकिन कैसे होगी, सरकार उसके लिए बजट इतना एलोकेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये समय आने वाला बताएगा, ठीक है ना। तो ये उसके अलावा इसमें इन्होंने बच्चों के वातावरण में बोला कि बच्चा जो है, हाँ,
एक तो मैंने बोला कि स्कूल की संस्कृति इस प्रकार हो कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, यानी कि स्कूल का कल्चर ही ऐसा होना चाहिए जहां पर जो है प्रत्येक बच्चे की भागीदारी हो रही, बच्चों को मैक्सिमम मौके दिए जा रहे हैं और प्रत्येक बच्चे को अपने टैलेंट को निखारने का मौका मिल रहा है, अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके जो अपनी जो वो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेगा, अब जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब करे और अपनी जो इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। ठीक है ना, हर प्रकार से जो है बच्चे को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए, ये चीज़ बोली हुई है। ठीक है, तो ये है। और साथ के साथ इसमें ये बोला गया है कि जो सत्र है उसको शुरू करने से पहले और लास्ट में, सेशन के लास्ट में 2 या 3 दिनों का जो है वो इस प्रकार से जो कार्यक्रम रखा जाना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है वो पूरा साल का जो है वो एक रूपरेखा उसकी तैयार करें और उसी का अकॉर्डिंग फिर साल भर काम करें। ठीक है, तो ये है। और फाइनली जो है इसमें लास्ट में 5वें जो पार्ट है उसमें बात बोली गई है किसकी सुधार की, व्यवस्थागत सुधार की, व्यवस्थागत सुधार यानी कि इंस्टीट्यूशनल रूप से क्या इसमें मैनेजमेंट हो सकता है। तो व्यवस्थागत सुधार में सबसे पहले उन्होंने सिलेबस या करिकुलम की बात की। तो करिकुलम में उन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष रूप से जो है वो आपका करिकुलर क्या करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो दोनों जो एक्टिविटीज हैं उनका मेजरमेंट हो, आंकलन में दोनों चीजों की भूमिका इंपॉर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि बच्चे का जो आंकलन है वो केवल और केवल सिलेबस के बेस पर हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा फिर उसी पर ध्यान देगा और जो अदर एक्टिविटीज जो है बच्चे करेंगे तो वो पिछड़, उनका कोई भी उनको वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो ये आंकलन का कोई तरीका नहीं हुआ। आंकलन क्या होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए। तो उसी के लिए उन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूशनल रूप से इस पर बात होनी चाहिए, यानी इस पर पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई इस प्रकार का आंकलन हो जिसमें कि सारे के सारे बच्चे के एस्पेक्ट्स को जो है वो देखा जाए। ठीक है, तो ये है हमारा करिकुलम के लेवल पर चयन। दूसरा इन्होंने बोला यहाँ पर कि टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर है वो जो है वो चूंकि जो है वो पहले जो टीचर थे वो कहीं बीएड के लग गए हैं, कोई वैसे ही लग गए हैं, कोई शिक्षा मित्र थे वो लग गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर है वो भले ही उसे ज्ञान बहुत ज़्यादा है और वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर भी हो सकता है, माहिर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसे शिक्षण शास्त्र यानी पैडागोजी इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, या उसको बाल मनोविज्ञान क्या है, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन, अगर ये चीज़ उसके अंदर नहीं है तो तभी भी वो क्या करेगा, गलती करेगा और वो बच्चे को नए एजुकेशन जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन उसके हिसाब से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका तो वही पुराना एटीट्यूड रहेगा। तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से। बच्चे जो है वो उनको टीचर जो टीचर है उनको टीचर ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि अब उनको अंदर नए तरीके से समझ एक तरह से बच्चों को देखने की पैदा की जाए, उन लैंगिक मुद्दे हों, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो लोकतांत्रिक वैल्यूज हों, चाहे उनके अंदर गरीबी को लेकर और आपकी जो हमारी जो बहुलवादी संस्कृति डाइवर्सिटी, उन सभी मुद्दों को लेकर टीचरों के अंदर नई समझ एक पैदा करी जानी चाहिए। क्योंकि जो है बच्चा कौन कौन किस बैकग्राउंड से आता है, कौन कैसा है, अगर टीचर इसको नहीं समझेगा, इसके लिए सेंसिटिव नहीं रहेगा, तो वो बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ा सकता है या अच्छे से उसको नहीं पढ़ा सकता है। वो तभी होगा जब टीचरों की ट्रेनिंग होगी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों में जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उन्होंने क्या किया कि जो सारे स्कूल हैं चाहे वो प्राइवेट हैं कुछ भी है, तो अब बिना बीएड का जो है वो कोई भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि मैं आपको CTET भी क्वालिफाई मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, और जो ऑलरेडी जो टीचर लगे हुए तो उनको भी आदेश दे दिया कि इनको जो है वो ट्रेनिंग करनी है 6 महीने का, इनको क्या करना है, एक ब्रिज कोर्स कुछ हुआ था वो करना है। तो वो सारी चीज़ें क्यों करेंगी, इसी के लिए कि टीचरों को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नए तरीके से दी जाए, नया दृष्टिकोण उनके अंदर डेवलप किया जाए, किसको लेके, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो टीचर ट्रेनिंग की इसमें बात की गई। ठीक है, तो ये है इसका। और लास्ट में हमारे पास जो है वो आता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन।
तो डिसिप्लिन के अंदर इन्होंने बोला है कि जो नियम है वो कम से कम हो, समझ रहे हो, यानी कि अनावश्यक जो नियम है वो ना बनाए जाएं, बच्चों के ऊपर नियम ना थोपे जाएं, ठीक है। और शारीरिक दंड, गैर शाब्दिक दंड या शाब्दिक रूप से दंड देना, ये किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं है, पूरी तरीके से बैन है। आप ना तो बच्चे को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, और शब्दों से भी उसको इस प्रकार से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, उसके जो सहपाठी हैं उनके सामने उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। यही तो है नई एजुकेशन, जिसमें आप बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हैंडल करते हैं, आप उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। ये है आपका, यानी नियम ऐसे ना बनाए जाएं, जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे को भी शामिल किया जाए। जैसे कई बार हम सोचते थे स्कूल में कि भाई ये नियम क्यों बनाए गए हैं, मतलब ऐसा लगता था ये फालतू की चीज़ें। जब बच्चे को भी उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से अवेयर किया जाएगा तो तब क्या होगा, बच्चा उस प्रोसेस में शामिल होगा, बच्चा उसके पीछे के लॉजिक को भी समझ पाएगा कि आखिर ये रूल है तो क्यों है, और तब वो उसको फॉलो करने में हिचकिचाएगा भी नहीं, ठीक है ना, स्वेच्छा से उसको फॉलो करेगा। इसलिए इसमें बात की गई है कि बच्चे के अंदर होना चाहिए स्व अनुशासन, समझ गए, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे कब होंगे, जब वो सेल्फ मोटिवेट होंगे, और कब होंगे, जब वो नियमों को खुद से समझ पाएंगे कि भाई ये क्यों बनाया गया, क्या इसका मतलब है, तभी तो वो सेल्फ मोटिवेट होंगे, वरना तो कोई मतलब नहीं है, है ना, वरना तुम मार के तो कुछ हल है नहीं इसका। अगर प्रिंसिपल, अगर कोई बच्चा है वो स्कूल से बंक मारता है, प्रिंसिपल के पास उसको लाया जाता है और प्रिंसिपल उसको मार देता है ढंग से, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से असर पड़ेगा और वो अगली बार फिर वही चीज़ करने की कोशिश करेगा। उसके बजाय अगर टीचर उसको बुला के, उसको प्यार से समझा के, उसके अंदर उसकी समस्या को जाने कि आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या समस्या है, कहाँ पर परेशानी है, किस चीज़ में है, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो इन चीज़ों को हैंडल करे तो बच्चे को अलग तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और बच्चा फिर अगली बार से क्या करेगा, खुद से ही जो है वो रेगुलर आना शुरू कर देगा, खुद से ही चीज़ें सही करने शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अब सेल्फ मोटिवेट हो चुका है, सेल्फ उसके अंदर डिसिप्लिन आ चुका है। तो वो चीज़ NCF में भी यही बात बोली है कि हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आना। और मॉडर्न एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलिए या आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलिए, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि बच्चा स्कूल के अंदर स्व अनुशासित हो, उसके ऊपर टीचर का कोई भी इस प्रकार से प्रेशर ना हो, उसको उसके साथियों के सामने बेइज्जत नहीं करना, ये सारे के सारे चीज़ें उसमें बोली, ठीक है। तो था, ये था भाई हमारा NCF कुल मिला के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, ठीक है, काफ़ी इसके बारे में समझ आपकी विकसित हुई होगी। और चलो 100% नहीं आई हुई तो 50-60% कुछ तो समझ में आएगा, है ना। तो आप जो है इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, और आने वाले टाइम में जब नया NCF आएगा तो उसके भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए।